जो ये कसाई लिपाई की जाती है, तो ये की जाती है गोबर और मिट्टी से। तो यहाँ बच्चा ओ आराम से पियो दा, बचा दिया आज। भगा भगा के मुड़ी गदर तक आए, अब आ रहे हैं यहाँ पे। मरेंगे बोल तो दोनों मरेंगे बोल, साथ में काम करते करते। हेलो गाइस, जो कि कुछ स्पेशल बना रहे हैं आज, मैं वो स्पेशल चीज आपको दिखाऊं। अगर घर में बैठे बैठे थोड़ा बहुत पैसे चाहिए तो इतना काम तो करना ही पड़ेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 8 बज रहे हैं, अपने चौक से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज सुबह सुबह देखिए माँ के द्वारा पूरे चौक की कसाई लिपाई की जा रही है। और जो ये कसाई लिपाई की जाती है तो ये की जाती है गोबर और मिट्टी से। तो यहाँ पर देखिए इतना सारा और गोबर बचा हुआ है और आधे चौक की माँ ने कसाई लिपाई कर दी है। और कल रो रही थी कि मेरा हाथ दर्द हो गया है, मेरे से कुछ काम नहीं हो रहा है। आज सुबह सुबह कैसे हो रहा काम? ये हाथ बंद है ना, ये हाथ बंद है। तो ये वाली उंगली माँ की सूज रखी है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा ये वाला है, मुझे लगा ये वाली। यहाँ पे सूज रखी है देखो, तो दूर से पता नहीं चल रहा है ना। और माँ जो ये घसाई लिपाई कर रही है ना, तो पिछले 10 दिनों से सोच रही थी कि घसाई लिपाई करूंगी, लेकिन नहीं कर पा रही थी क्योंकि जो मौसम है वो गड़बड़ लग रहा था। और घसाई लिपाई करने के बाद ऊपर से बारिश आ जाए तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो सब ने बोला 14 तारीख तक बरखा, 12 तारीख 10 तारीख लगे थे, 10 तारीख से लोग ने बोला 14 तारीख तक बारिश है, 14 तारीख भी जाएगा, 14 तारीख से फिर बोला 16 तारीख तक बारिश है, फिर 16 भी जाएगा, 17 तक 18 तक भी जागे रहे हैं। अब नहीं जागना है। और जो ये घसाई लिपाई है ये कुछ स्पेशल चीजों के लिए की जाती है। और क्यों की जाती है चलो वो अपनी माँ से जानते हैं। और अपने भोटो भी बोले हाँ सही बात बोल रहे हो, बोल तो कोदा झमोरा भट्ट भुट सबके लिए। उनके लिए क्यों? वो कूटेंगे काम, बिना इसके कूटेंगे तो सब जो यही के हो जाएगा, यही के हो जाएगा, नहीं होगा गारा भी होगा। आइस में भी तो होगा गारा, होगा माँ, कितना सुहाना है, कितना सुहाना है। और यहाँ अंदर मैं आपको पहाड़ी किचन हट्टी में दिखाऊं तो यहाँ पर हैं अपने भाई साहब और अपने बापूजी, जो कि कुछ स्पेशल बना रहे हैं। आज मैं वो स्पेशल चीज आपको दिखाऊं, तो ये आप देखिए वो स्पेशल चीज है, ये है यहाँ पर पराठे, वो भी किस चीज के, मूली के पराठे। और काफी पसंद है हमको मूली के पराठे। और अंदर आग भी देखो कितनी प्यारी नजर आ रही है। और बापूजी काफी टाइम से लगे हुए थे घर की घसाई लिपाई, बाद में दिखावल पहले यहाँ अंदर आवल। ऐसे पराठा कभी खाया तुमने? इतने बड़े, ऐसा स्वादिष्ट, ऐसा कलर वाले, ये देखो कैसे बना हुआ, एकदम बढ़िया। और जो ये घसाई लिपाई है ना, एक बारी में पूरी समाप्त नहीं होती है। एक बारी माँ ने वहाँ से लेकर यहाँ तक घसाई लिपाई की और ये बड़ा बड़ा किया आप देख सकते हैं ऐसे करके। और फिर दूसरी बारी अब माँ उससे कर रही है, वो सामने आप देख सकते हैं कपड़े से, और कपड़े को डाल ली है इस वाले घोल में। और ये क्यों कर रही है माँ? सफाई आ रही है इसे। सफाई? माँ बोली इससे सफाई आ रही है। बोल कैसी सफाई आ रही है इससे? तो माँ का कहना कुछ ऐसा है कि मतलब इससे एकदम बढ़िया हो रहा है। जैसे वो प्लास्टर करते हैं ना बड़ा बड़ा, हाँ, घोल डालते हैं, क्या बोलते हैं वो मिस्त्री बताएंगे हमारे बापू जी, क्या रहता है उसका नाम, याद ही नहीं आ रहा। मंजला? यार बहुत तुमको पता ही नहीं कैसे मिस्त्री हो यार तुम। समोदा? समोदा
अच्छा और जो कपड़ा है उसका नाम भी है घसनेटा। तो यहाँ देखो पहले अच्छा नहीं लग रहा था ना, अब जब माँ बोली है सफाई से मैं कर रही हूँ तो ये देखिए चौक कैसे चमक रही है। और जब ये पूरी सूख जाएगी ना उसके बाद अलग ही चमक मारती है। और माँ ने उदाहरण भी आपको दिया, एग्जांपल दिया कि जो प्लास्टर करते हैं ना तो प्लास्टर एक बार बड़ा बड़ा करते हैं, उसके बाद एकदम समूदा जो होता है वल उससे बारीकी सी करते हैं। तो माँ को सब पता है, माँ ने शायद पहले मिस्त्री का काम भी कर रखा है। और मेरे बाबूजी मिस्त्री थे ना, हाँ तू भी वहीं से सीखती थी कि बापूजी कैसे कर रहे हैं। तो बापूजी भी वैसे ही थे और पतिदेव भी मिस्त्री ही मिले हैं। कुछ सीखा मैंने अपने बापूजी से, जैसे जैसे स्वेटर बुनते थे मेरे बापूजी, वो भी मैंने उस बापूजी से सीखा। और दूसरा काम क्या सीखा अभी याद थे तो बोल गई। चले कि ये होगा मिस्त्री वाला, ये मिस्त्री वाला एक दो दो थोड़ा बहुत लिखाई पढ़ाई आते है वो भी अपने बापूजी से सीखा। अच्छा माँ से कुछ नहीं सीखा? नहीं, माँ भी ऐसी थी जैसे मैं थी। माँ से क्या सीखा? घास काटना और जिद्दी बनना। नहीं, एक काम जो शुरू कर दिया उसको जब तक समाप्त नहीं किया, चाहे आदमी पूरा ही खत्म हो जाए लेकिन माँ उस काम को छोड़ती नहीं है। तो ये माँ ने नानी से सीखा क्योंकि अपनी नानी बहुत ऐसी है, एक काम शुरू करती है तो उस पर लगी रहती है जब तक पूरा समाप्त नहीं होगा, चाहे सुबह से रात हो जाए। और यहाँ देखिए हमारे हीरा मोती भी आ गए हैं जंगल जाने के लिए। हेलो हीरा, ना ना ना, ए ले, ले, ना ना ना, ए ये चल 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 ऊंचा पीना चाहिए था तेरे को पीना है, आज नहीं है ठीक है, जा नाराज हो गया, ये देखो हट निकल वाले यहाँ से। तो अब ये जाएंगे जंगल, जा ये यहीं पे रुक गया, जा 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 चल चल। और इसकी जो नथली है वो अभी तक नहीं बनाई है हमने, तो अभी भी बिना नथली के ये चल रहा है। और हमारे बैलों के साथ साथ अनुष्कलों के बैल भी आज भाई साहब लेके जाएंगे जंगल। भाई साहब नहीं लेके जाएंगे बोला, तुम ही को ले जाना है वाला आज। अच्छा फिलहाल यहाँ पर जो घसाई लिपाई का काम है वो देखिए समाप्त हो गया है, क्योंकि जो गोबर मिट्टी थी वो यहाँ पर समाप्त हो गई है। और आगे अब जो काम होगा वो अगले साल होगा। नहीं कल, अब क्या करते हैं नाश्ता करते हैं। और नाश्ते में तो आज आपने देख ही लिए कि आज पराठे बने हैं, वो भी मूली के, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है। तो अभी नाश्ता करने के लिए मैं नाश्ता लेके आ चुका हूँ छत पे, क्योंकि अभी मस्त धूप लग गई है। तो मैंने सोचा धूप सेकते सेकते नाश्ते का आनंद लिया जाए। और नाश्ते में ये देखिए 4-5 पराठे हैं, खाए जाएंगे नहीं खाए जाएंगे वो बात की बात है। और उसके साथ यहाँ पर सब्जी है आलू और लौकी की, और हम पहाड़ियों की जान चाय भी हमारे नाश्ते में हमेशा रहती है। तो चलो मस्त धूप के साथ नाश्ते का आनंद लेते हैं। तो अभी आया हूँ मैं अपने खूबसूरत से पंगरोली स्टेडियम में, क्योंकि भाई सामने बोला था कि मैं ज़्यादा देर पंगरोली में रुकूंगा नहीं, और देखो लगभग 1 घंटे से यहीं पर रुके हुए हैं। शुक्रिया। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर अपने प्रियांशु भाई स्वरोजगार पे लगे हुए हैं, और इनके जो साथी हैं वो नितिन भाई भी धुड़सा फुड़सी पे लगे हुए हैं यहाँ पर, और ठेकेदार साहब भी आज बीच में बैठे हुए हैं कि रोड़ी सही से फोड़ी जा रही है कि नहीं फोड़ी जा रही है। और यहाँ पर एक जगह खाली है तो यहाँ पर थोड़ा बैठ के हम भी क्या करते हैं स्वरोजगार में अपना योगदान देते हैं। तो अपने भाई लोगों के साथ मैंने थोड़ा बहुत रोड़ी फोड़ी, और इनकी अब घर जाने की तैयारी हो चुकी है। और घर ये खाली नहीं जाएंगे तो कट्टे भर के रोड़ी भी लेके जाएंगे, लेकिन मैं लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे अपने बैलों को यहाँ पर थोड़ा बहुत चराना है कुछ टाइम तक। और अभी सूर्यदेव के आगे बादल तो आ गए हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले जब हम रोड़ी तोड़े थे इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी ना, मतलब हालत ख़राब हो गई। नितिन भाई पावर तो पूरी लगा रहे हैं बेलचे पर, लेकिन रोड़ी दो ही आ रही है काली। तो चलो मेरे को थोड़ा बहुत ये काम आता है, तो नितिन भाई से बेलचा मांगते हैं। ठीक है
था और ये हाफ करके इधर उड़ी नीचे से टेढ़ी हो गई। हो गया देखो कट्टा पूरा। पकड़ 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 यस अरे क्या कौन हो यार नहीं तो नहीं तो भी हो गया। ये देख ले रुका हुआ पकड़ 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 रुका हुआ तब ऐसो यो यो ले पार हो भी सो ताऊ मिल लीजिए। तो चलिए अपने दोनों कमांडो भाई चले रोड़ी का कट्टा लेके घर के घर के लिए। और इतना ज़्यादा भारी होता है ना ये भाई साहब हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि मुझे पता है मैंने तो इतने सारे रोड़ी के कट्टे सार रखे हैं कि गिनती भी बताऊंगा तो कई दिन लग जाएंगे क्योंकि बचपन से ही ये काम किया है। और उनकी हालत देख के थोड़ा दुख हो रहा है क्योंकि वो अभी पहली बार इतना हार्ड काम कर रहे हैं। पर चलो अगर घर में बैठे बैठे थोड़ा बहुत पैसे चाहिए तो इतना काम तो करना ही पड़ेगा। तो प्रियांशु और नितिन भाई के घर जाते ही मैं अब अकेला हूँ यहाँ पर अपने खूबसूरत से पंगरौली स्टेडियम में। इंसान अकेला हूँ लेकिन हमारे साथ जो हमारे मवेशी हैं वो बहुत सारे हैं। अपने हीरा मोती प्रियांशु भाई का बोर्ड और यहाँ दिखाऊँ तो नुस्खा लोगों के दोनों बैल। तो अपने प्रियांशु भाई मैं काफ़ी दमखम है यार इतनी तेज़ धूप में इतना भारी कट्टा लेके गया और वापसी आ चुका है एक और कट्टे के लिए। और कैसा रहा था पहला एक्सपीरियंस? ठीक ही था पर ज़्यादा भारी था। क्यों आया था जब भारी था? मैंने कहा चलो भाई ले ही लेते हैं। तो चलो प्रियांशु भाई के साथ फिर भरते हैं कट्टा और उसके बाद साथ ही में अब बैलों को भी लेके जाएंगे। तो अपने प्रियांशु भाई तो चल पड़े हैं अब बैलों को भी भगाते हैं। चल 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 चलो और ये देखो हमारे कमांडो जी थक गए आज रास्ते में। क्या हो गया भाई साहब? थोक लगी जी बेटी। थोक लगी? उठा उठा दे। नहीं नहीं है नहीं है सक्या पत्या वाला। मैं उठा लूँ उठा उठा दे। बोलो जय बजरंगबली, जय हो जय हो जय हो। अरे भाई नीचे गिरने वाला था लेकिन उठा ही दिया। तो ये है हम पहाड़ियों की पावर नहीं बना भाई। कभी कभी आदत खराब हो जाती है लेकिन दम हम रखते हैं 50 किलो का कट्टा उठाने के लिए। चलो चलो है। तो बैलों को गौशाला पर बांध के मैं घर जा रहा था तब तक चाची का बुलावा आया फटाफट पानी लेके आवल। बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। मम्मी नहीं पिएगी? मेरी मम्मी तो पिएगी पर तुमने हल्ला कर दिया था पूरा गाँव वाल। थैंक यू नहीं बोलोगे? थैंक यू। मैं तो 1 किलोमीटर दूर था तब बोल रहे थे। बच्चा ओ आराम से पियो दा बचा दिया आज। तो चाची को बहुत ज्यादा प्यास लग गई थी। चाची काफी देर से आवाजें लगा रही थी पानी लाओ मेरे लिए पानी लाओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि घर जाएंगे। इतना तेज घाम लग रहा घर जाओ। अरे लोग घास दे रहे हैं। लोगों के घास काट रहे तुम? क्या कर रहे तो है। तुम्हारे भी तो तत्ती पुंगड़ा है। मेरा घर नहीं है। नहीं है? ए चलो बच गए अब। बच गए ए तो भी नहीं। चलो तब हैं
थैंकू। अब यहाँ नीचे वाले खेत में अपनी माँ भी है और फोन में बची है बस 5%। चार्ज अभी फोन बंद होने वाला है मेरा। लो ये थी पीनी, कितना पीना था। तो अब माँ भी देखो यहाँ पे न्यार काट रही है और इनको बोलते हैं कि घर जाओ, लेकिन बहुत जिद्दी है। इतनी तेज धूप में हालत खराब होती है। अभी तो मुर्गो को भगा भगा के मुड़ी गदर तक आए, अब आ रहे हैं यहाँ पे। तो हो गया ना, पापा भी लंगूर भगाने गए, मैं भी। कहाँ है पापा? तो है नहीं। पापा घर चले गए? नहीं, वो नीचे साथ पे था। तो पापा भी घास निकाल रहे। तो माँ तो अपने आप धूप में मर रही है, तो बापूजी को ही मार रही है। सुबह एक कहानी भी चल रही थी इनकी कि मरेंगे बोल तो दोनों मरेंगे बस साथ में काम करते करते।